हेलो प्यारे दर्शकों, दुनिया के सात अजूबों में से एक है ताजमहल। यह इतना सुंदर है कि सब कुछ इसके आगे फीका लगता है। इस संगमरमर की इमारत प्रेम का प्रतीक भी है, पर इसके निर्माण की प्रचलित कहानियां सुनकर लगता है कि यह बहुत से लोगों के खून से बना है। वह कहानियां कितनी सही है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। ताजमहल विशिष्ट है क्योंकि यह बिना सीमेंट के बना हुआ है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, भारत में ऐसी कई प्राचीन और ऐतिहासिक इमारतें हैं जो बिना सीमेंट के बनी हुई हैं। हालांकि ताजमहल के बारे में हाल ही में सोशल मीडिया पर चर्चा हुई है। हमारे मिस्टीरियस पॉडकास्ट में आपको देश दुनिया से चौंकाने वाली जानकारियां मिलती है। आज हम ताजमहल के निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। जी हाँ प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो प्यारे दर्शकों, दुनिया में बहुत सी ऐसी रोचक चीजें हैं जो लोगों के लिए आज भी रहस्य बनी हुई है। कई लोग इन चीजों के रहस्य को रहस्य ही रहने देते हैं। वही कई ऐसे प्राणी भी होते हैं जो इसकी तह तक भी जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताजमहल तो आपने देखा ही होगा, इसका इतिहास भी लोग जानते ही हैं। लेकिन ताजमहल के बारे में आज भी कई बातें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। अब तक हम ताजमहल के बारे में ऐसी कई जानकारियां आप तक पहुंचा भी चुके हैं जो हमारे वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ऐसी कई जानकारियां हैं जो हम आप तक पहुंचाए हैं, इसलिए आज एक नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। यकीन मानिए, इसके बारे में ना पहले कभी सोचा होगा और ना ही सुना होगा आपने। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि ताजमहल बनाने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। जी हाँ, चौंकिए नहीं, यह सच्चाई है। वो इसलिए क्योंकि शाहजहां का ताजमहल साल 1631 से लेकर 1648 के बीच बनकर तैयार हुआ था। यहाँ सवाल ये है कि उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था, तो फिर शाहजहां का ताजमहल बना कैसे? आखिर इसका क्या राज है, कैसे बना? तो ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे मन में चलते रहते हैं, जिसके जवाब हमें नहीं मिल पाते हैं। तो आज हम आपको हर जवाब देंगे। जी हाँ दर्शकों, बिना सीमेंट कैसे बनाया गया ताजमहल, आखिर कैसे? दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट नहीं बना था, तब प्राचीन इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। ताजमहल बनाने के लिए भी इसी पेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। पत्थरों को आपस में चिपकाने के लिए गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकर को मिक्स किया गया। इसके बाद उसे चूने के पानी में मिलाया जाता था। इस तरह से एक सेमी सॉलिड मटेरियल तैयार करके ताजमहल जैसी इमारतों को तैयार किया जाता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है कि इस देसी जुगाड़ से ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जाती थी, और आज तक वो इसी मजबूती से टिकी हुई है। दोस्तों, दुनिया के साथ अजूबों में शुमार संगमरमर और हाथी दंत की सफेदी लिए ताजमहल हर किसी को सुहाना लगता है। 1631 में ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो कुल 22 साल तक चलते हुए 1653 में जाकर समाप्त हुआ। इसमें कुल 20,000 मजदूरों ने काम किया। बताया जाता है कि ताजमहल के निर्माण में उस समय करीबन 3 करोड़ रुपया की लागत आई थी, जो समय की सभी इमारतों की लागत से सबसे ज्यादा थी। ताजमहल की सबसे अनोखी बात यह है कि यह भूकंप के झटकों में भी आसानी से नहीं गिरने वाला। लगभग 400 सालों से यह अब तक अड़िग और सुंदर टिका हुआ है। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प मुद्दे पर, जो कि यह है कि सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले 1824 में इंग्लैंड में हुआ था। तो आखिर कैसे बना सीमेंट के ताजमहल का इतना मजबूत निर्माण किया सका? जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे? इसमें एक अच्छी बात यह है कि ताजमहल की नींव में भी सीमेंट और कंकर पत्थरों का उपयोग नहीं किया गया है। दोस्तों, ताजमहल की नींव बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। आपको यह बात जानकर शायद थोड़ा अविश्वास हो सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। इसकी नींव में आबुनस के पेड़ लगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आबुनस के पेड़। दोस्तों, ताजमहल की नींव बनाने में काफी सारी लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। आपको यह बात जानकर आश्चर्य हो रहा होगा,
लेकिन यह बिल्कुल सच है। ताजमहल एकदम आबुनस के पेड़ से बनाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ताजमहल के एकदम पास यमुना नदी बहती है और आबुनस के पेड़ 30% नमी धारण करके लंबी समय तक मजबूती से खड़े रह सकते हैं। इन्हें नमी प्राप्त होने के बाद दीमक भी नहीं लगती। लेकिन बीते कुछ वर्षों में देखा गया है कि यमुना नदी का जलस्तर कम हो रहा है। यदि ऐसा लगातार चल रहा तो आने वाले कुछ ही समय में ताजमहल का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि आखिर ताजमहल में संगमरमर के पत्थर चिपकाने के लिए क्या प्रयोग लाया गया था। दोस्तों, उस समय सीमेंट जैसे किसी चीज का तो कोई अस्तित्व था ही नहीं और बादशाह चाहते थे कि इसे सदा सदा के लिए मजबूत बनाया जाए। इसी वजह से इसके निर्माण के लिए एक खास तरह का घोल तैयार किया गया। इस घोल में बड़ी मात्रा में चिकनी मिट्टी, गुड़, गोंद, दाल, चीनी और कई मजबूत पकड़ रखने वाली चीजों का प्रयोग किया गया था। इन सभी चीजों के अलावा भी कई ऐसी सीक्रेट चीजें मिलाई गई थी जिनकी जानकारी आज तक किसी को नहीं है। इसमें संगमरमर के अलावा मूंगा, मोती जैसे अनेकों महंगे रत्नों का भी प्रयोग किया गया था। मकान हो या कोई इमारत, उसे बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। सीमेंट ही वो चीज है जो किसी इमारत को मजबूती देने का काम करता है। लेकिन सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में हुआ था, तो इससे पहले भी तमाम तरह के किले, स्मारक और इमारतें बनाई जाती रही हैं। भारत की बात करें तो यहाँ ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, इमाम बारा, हवा महल वगैरह कई ऐसी ऐतिहासिक स्थल हैं जो समय के बने हुए हैं, जब सीमेंट का नामो निशान भी नहीं था। सीमेंट का इस्तेमाल सबसे पहले इंग्लैंड के जोसेफ एस्पिन नाम के वैज्ञानिक ने 1824 ईस्वी में किया था। सीमेंट का आविष्कार पोर्टलैंड में होने के कारण इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखा गया था। भारत में सीमेंट का पहला कारखाना वर्ष 1904 में गुजरात के पोरबंदर में स्थापित किया गया। लेकिन सीमेंट का उत्पादन वर्ष 1904 में चेन्नई में स्थापित कारखाने में शुरू हुआ था। हालांकि ये सफल नहीं हो पाया। चेन्नई में स्थापित सीमेंट का पहला कारखाना सीपीओ पर आधारित था। साल 1912 से 13 में पोरबंदर गुजरात में पहले सफल कारखाने की स्थापना की गई थी। तो प्यारे दर्शकों, आज हमने आपको बताया कि ताजमहल बिना सीमेंट का आखिर कैसे बना, किस प्रकार से बना, किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। आज हमने आपको पूरी जानकारी दिया है, तो प्लीज हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हमें हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और हमेशा आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। कमेंट करके अपनी राय हमसे जरूर साझा करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिल सके। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए काफ़ी मायने रखता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है जिससे हम आपके लिए लगातार नई नई वीडियोज़, नई नई जानकारियाँ हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहे, स्वस्थ रहे।